सुंदर जिले के पालियामारू गांव में मुन्ना बाई अपने खेत से लौट रही थी तो रास्ते में जंगली जानवर जरक ने उन पर हमला कर दिया। महिला द्वारा चिल्ला चोट करने पर आसपास के खेतों में काम कर रहे लोगों ने दौड़ लगाकर आए और देखा कि जंगली जानवर जरक ने महिला को बुरी तरह से घायल कर दिया है। लोगों के चोट करने पर जंगली जानवर वहां से भाग निकला। परिजनों की खबर मिली तो आनंद फानंद में जिला हॉस्पिटल मंदसौर लेकर आए। यहां पर प्राथमिक उपचार के बाद आइसोलेशन वार्ड में महिला को भर्ती करा दिया गया है। अभी महिला की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। महिला के परिजनों ने बताया गांव में एक और पंडित जी को जंगली जानवर जरक ने अपना साथ बनाया था। ज़्यादा गंभीर होने पर जिला हॉस्पिटल मंदसौर में डॉक्टर ने बाहर रेफर कर दिया। परिजनों ने बताया कि गांव में दहशत का माहौल है और अपने खेतों पर जाने से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। जी बताइए क्या घटना हुई थी, कैसे घायल हुए? ये निंदी नरेदा वहाँ से गिर जरक ने काटी। कितने लोगों पे हमला किया है? दो लोगों पे किया, एक ने बाहर ले गया वो एक ने भर्ती। अच्छा, कैसे हमला किया आपको फिर कैसे मालूम चला? मान पास हुई के मान पास एरी मेरे वाला शब्द दौड़िया ने बस घर लाया। क्या गांव में डर का माहौल है? हाँ है। कहीं उसको पकड़ना चाहिए? एक ने तो मारना है क्यों ने और वो भाग गया अभी। अड़के वही के तो। अच्छा, कौन से गांव से आया आप? पालिया मारोस। कई नाम आपके लिए भाभी को? मुन्ना भाई। ठीक, नासुमान जी बताइए हॉस्पिटल में दो मरीज आए, काय के आए थे और क्या कहना है? ये जरक बाइट के पेशेंट है, एक भर्ती है और एक रेफर हो गया इंदौर। क्या इनको किस तरह से घायल किया है? ये इनको जंगली जानवर ने घायल किया है और ये अपने वार्ड में भर्ती है और इनको डॉक्टर साहब द्वारा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। हाँ, कितने लोग आए थे और कितने लोगों का इलाज यहाँ चल रहा है? कितने लोगों को? दो आए थे, दो में से एक रेफर हुआ और एक अपने आए। किस गांव, किस क्षेत्र का मामला है? पालियामारू का।